सो गाइज, हमारे पास में है आज ओला का एक ब्रांड न्यू स्कूटर, ओला S1X Plus। तो चलिए इसका वॉक अराउंड देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास लिक्विड सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के साथ एक गाड़ी अवेलेबल है। इसमें आपको और 7 डुअल टोन बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। तो चलिए अभी इसका डिजाइन और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको इसका ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है ओला। हेडलाइट में आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। DRL ओनली डिजाइन पर्पज के लिए दिए हुए हैं। सस्पेंशन की अगर बात करें तो सामने के साइड ट्विन टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलता है और स्टील व्हील के साथ 90x90 12 इंच का टायर मिलता है। डिजाइन की अगर हम बात करें तो कटिंग एज एरोडायनामिक फ्लूइड डिजाइन विथ डुअल टोन बॉडी कलर के साथ ये आता है। ये जो ग्लॉसी कलर और मैट फिनिश डुअल टोन की वजह से कलर और लुक में थोड़ा अच्छा दिखता है। अभी चलिए इसका कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले में आपको 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको टच कंट्रोल नहीं मिलता, बॉटम के साथ आपको कंट्रोल करना होता है। रेड कलर बॉटम, पावर बॉटम, देन अगर आपको अनलॉक करना होगा तो फिर आप मोबाइल से या फिर इसी तरह बॉटम प्रेस करके अनलॉक कर सकते हैं। इसी में भी आपको बहुत कुछ फीचर्स देखने को मिलता है। स्क्रीन में आपको पहले बैटरी, देन रेंज, देन पार्क मोड, जो आपको स्टैंड नीचे है इसलिए पार्क मोड, और ट्रिप किलोमीटर प्रो और मॉडल की तरह इसी में भी आपको देखने को मिलता है। इसी में आपको एक विंडशील्ड देखने को मिलता है, जो ओला की और वेरिएंट में अभी तक नहीं मिला है। इस बटन को प्रेस करने से आपका ट्रंक खुलता है। इसमें आपको 2 हेलमेट रखने की आराम से स्पेस मिल जाता है। इसको क्लोज करने के बाद सामने का स्क्रीन में आपको इंडिकेटर दिख जाता है, ट्रंक क्लोज। एयर की तरह इसी में भी आपको एक हब मोटर दिख जाता है, जिसका पीक पावर है 6 किलोवाट एंड टॉप स्पीड 90। इको मोड में आपका ये 125 किलोमीटर आराम से चल जाएगा और नॉर्मल में 100, स्पोर्ट मोड में 80 किलोमीटर के आसपास आराम से चल जाता है। सो ये था ओला X1X का कुछ फीचर्स। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सामना भी